दोस्तों आज हम सोल लैंड की आगे की कहानी को एक्सप्लेन करने वाले हैं। अब एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि टैंक्शन वहां से लौट आता है, वही मोटू भी उन लोगों को चढ़ाते हुए वापस चला आता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि जेलिंग पास के हालत खराब हो चुकी होती है, वही बिबडोंग के हालत तो उसे भी ज्यादा खराब हो गए होते हैं। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होकर के एम्परर सुबैंग पर आ जाता है, जहां पर टैंक्शन अपनी पूरी श्रेक डेविल्स की टीम के साथ में आता है, जिसे देख करके पूरी कि पूरी टियांडो आर्मी काफी खुश हो जाती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि टैंक्शन कुछ कहने की कोशिश करता है, लेकिन वह जमीन पर गिर जाता है। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होकर के ऑस्कर पर आ जाता है, जहां पर रोंग रोंग उसके पास आती है और बताते हैं कि शू टैंक्शन को देख रही है, इसलिए मेरे ख्याल से वह जल्दी ही ठीक हो जाएगा। तभी हम देखते हैं कि ऑस्कर थोड़ा सा परेशान होता है, जिसे देख करके रोंग रोंग उसे पूछती है कि क्या तुम्हें कोई बात परेशान कर रही है। तब ऑस्कर रोंग रोंग से माफी मांगते हुए कहता है कि रोंग रोंग मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें बैटलफील्ड में अच्छे से प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। इस पर रोंग रोंग ऑस्कर से कहती है कि हमें बैटलफील्ड की सारी सिचुएशन को देखना चाहिए, क्योंकि मुझे भी नहीं पता था मेरा 9th ईयर पगोड़ा गॉडलाइट का इस्तेमाल कर सकता है, इसलिए तुम्हें परेशान नहीं होना चाहिए। तभी हम देखते हैं कि वहां पर रोंग रोंग के फादर और उनके दादाजी आ जाते हैं, जो रोंग रोंग से बताते हैं कि करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग गोस्ट लिपट अपनी 9th स्पिरिट टेक्निक का जल्दी इस्तेमाल नहीं करेगा, क्योंकि पिछले पेट में तुम्हारे प्रोटेक्टिव स्पिरिट को तोड़ने की कोशिश की थी, इसलिए उसके स्पिरिट पावर काफी कम हो गई होगी। तभी रोंग रोंग के ग्रैंडफादर उसे बताते हैं कि रोंग रोंग जैसे जैसे तुम्हारे स्पिरिट पावर बढ़ती है, वैसे वैसे तुम्हारे प्रोटेक्टिव स्पिरिट कई सारे अटैक को झेल सकती है, इसलिए जब तुम्हारे स्पिरिट पावर 90 लेवल के ऊपर चली जाएगी तब तुम घोस्ट लिफ्ट को अकेले ही देख सकती हो। हालांकि हो सकता है कि हुहन एम्पायर के पास कई सारे वारियर्स हो, लेकिन फिर भी तब तुम्हारी प्रोटेक्टिव स्पिरिट को तोड़ना किसी के लिए तोड़ना आसान नहीं होगा। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक सोल्जर आकर के इन लोगों को बताता है कि एम्परर ने इन्हें मीटिंग के लिए बुलाया है, जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होकर के मीटिंग हॉल पर आ जाता है, जहाँ पर सभी लोग बात करते हैं कि हुहन एम्पायर ने हम लोगों को चुप करके पॉइजन दे दिया था, जिसकी वजह से ऑलमोस्ट पूरी की पूरी टियांडो आर्मी खतरे में पड़ गई थी। तभी मार्शल जिलांग कहते हैं कि फूड सप्लाई को प्रोटेक्ट करने का जिम्मेदारी मेरी थी, इसलिए यह मेरी गलती है, जिसकी वजह से हुहन एम्पायर को एक मौका मिल गया। जिसके बाद हम देखते हैं कि मार्शल जिलांग एम्परर सुबैंग से पनिशमेंट लेने की तैयार हो जाते हैं। तब एम्परर सुबैंग कहते हैं कि अपॉर्चुनेटली हम लोग इस सिचुएशन को चेंज कर सकते हैं, क्योंकि डिस्ट्रक्शन के शेफ हमारे लिए उस जहर का एंटीडोट क्रिएट कर रहे हैं। हालांकि मार्शल जिलांग को फूड सप्लाई को प्रोटेक्ट करना था, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाए, इसलिए उन्हें पनिशमेंट मिलनी चाहिए, लेकिन इस वार के चलते मैं किसी भी जनरल को आसानी से चेंज नहीं कर सकता हूँ, इसलिए मार्शल जिलांग मैं तुम्हें काम करने के लिए परमिशन दे रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे रैंक के बारे में फिर से सोच लूंगा। तभी रोंग रोंग के फादर कहते हैं कि हो सकता है हम लोगों ने इस वॉर में बहुत कुछ देखा हो, लेकिन फिर भी हमारे सोल्जर इस वार को डोमिनेट कर रहे हैं, वही बिबडोंग भी इस समय पूरी तरह घायल है, इसलिए हमें इस मौके का फायदा उठा करके सिटी पर अटैक करना चाहिए, क्योंकि जेलिंग पास पर स्ट्रक्चर ऐसा है कि वहां से डिपेंड करना आसान है, लेकिन अटैक करना उतना ही मुश्किल है, वही वहां पर हम लोग टैंक्शन की क्रॉसबो का इस्तेमाल सही से कर सकते हैं, इसलिए अगर हमें सिटी पर अटैक करना है तो हमें ठीक से सोच करके प्लान करना होगा। तभी हम देखते हैं कि इन लोगों की मीटिंग कैंप में कोई आता है और बताता है कि एम्परर आपसे कोई मिलने आया है, जिसके बाद हम देखते हैं कि वो पसन एम्परर को रिस्पेक्ट देता है, जिस पर सभी लोगों उसे पूछते हैं कि आखिर में तुम कौन हो, जिसके बाद वो पसन बताता है कि मैं ब्लू लाइटिंग ड्रैगन सेक्ट का डिसेबल हूँ। यह सुनकर के ग्रैंड मास्टर के साथ में सभी लोग हैरान हो जाते हैं, क्योंकि ग्रैंड मास्टर भी ब्लू लाइटिंग ड्रैगन सेक्ट से बिलोंग करते हैं, जिसके बाद हम देखते हैं कि वो इंसान ग्रैंड मास्टर को अंकल बुलाता है। तब ग्रैंड मास्टर उसके पास जाकर के कहते हैं टियागजीन तुम कैसे जिंदा बच गए। तब वो आदमी बताता है कि जिस समय हुहन एम्पायर ने हमारे ब्लू लाइटिंग ड्रैगन फैमिली पर अटैक किया था, उस समय हम प्रैक्टिस के लिए बाहर गए थे, तब हम लोग प्रैक्टिस करके वापस आए तब तक हमारे पूरे फैमिली दबा हो चुकी थी। यह सुनकर के ग्रैंड मास्टर भी उदास हो जाते हैं, लेकिन वो टियागजीन से बताता है कि यह अच्छा हुआ कि तुम जिंदा बच गए। इसके बाद हम देखते हैं कि ग्रैंड मास्टर टियागजीन से पूछते हैं कि इतने सालों से तुम कहां पर थे। तभी टियागजीन बताता है कि
मैं इतने सालों से एक सिटी पर छुपे हुए थे, क्योंकि हम दोनों को अपनी फैमिली का बदला लेना था। इसलिए हम लोगों को हाल ही में एक न्यूज़ पता चली है, जिसके अकॉर्डिंग हुआन एम्पायर ने सेक्रेटरी ट्रूप्स को जेलिंग गेट पर भेज रहा है। एम्परर सुबैंग पूछता है कि आखिर इस एलाइट ट्रूप्स क्या है। तब टियागजिंग बताता है कि एलाइट टीम इनको एंजल टीम कहते हैं, जिसे हुआन एम्पायर के होली प्रिंसेस हुलिना लीड करती है। वही उसकी आर्मी में पूरी की पूरे स्पिरिट मास्टर के लेवल 70 से ऊपर है। यह सुनकर के ग्रैंड मास्टर कहते हैं वह लोग एंजल स्वॉर्ड का इस्तेमाल करता है, इसलिए जहाँ तक मुझे पता है हुआन एम्पायर का एंजल आर्मी ज्यादा पावरफुल है। वही वह लोग हवा में लड़ने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्सपर्ट होते हैं, क्योंकि एक बार हुआन एम्पायर सी गॉड आइलैंड पर हार गया था, जिसके बाद हुआन एम्पायर को हेल्प करने के लिए एंजल आर्मी गई थी। और यह कहने के साथ ही हमारा पार्ट 2 यहाँ पर पूरी तरह से कम्प्लीट हो जाता है।